हे व्हाट इज अप एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कार फॉर सेल गेम जो है उसे बिना ऐड के कैसे प्ले करना है, जिसका मोबाइल में नाम है कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप। तो यार ये गेम में जो ऐड आती है इससे हम काफी इरिटेट होते हैं और गेम खेलने के वक्त भी काफी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि गेम का रिस्टार्ट होना और गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त रिकॉर्डिंग बंद होना। तो ठीक है गाइस, अभी बिना देरी के हम जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और अभी आप देख सकते हैं कि यार हमारा गेम, और मैं जल्दी से जो इसे स्टार्ट करके दिखा दूँ आपको एक बार। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड का आइकन अभी भी दिखाई दे रहा है और मैं इस पर टैप करता हूँ तो अभी आप देखिए एक बार यहाँ पर जो है हमारी ऐड स्टार्ट हो चुकी है, और अगर मैं इस आइकन पर टैप भी नहीं करता तो कुछ देर के बाद मुझे ऐड दिखाई जाती है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस ऐड का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ मेथड नहीं है, बस एक सिंपल सी ट्रिक है, तो मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर गेम को बंद कर देता हूँ। अभी मैं आ गए हूँ मेरे होम स्क्रीन पर। तो गाइस आपको इस ट्रिक के लिए सबसे पहले तो दो डिवाइस चाहिए होगी जिसमें आप गेम खेलने वाले, और एक उसके अलावा कोई और डिवाइस जिसे आप मोबाइल में हॉटस्पॉट दे सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको दूसरे डिवाइस को हॉटस्पॉट ऑन करना है और आप जिस भी मोबाइल या फिर डिवाइस में गेम खेलने वाले हो उसका वाईफाई उससे कनेक्ट कर लेना है। तो ठीक है गाइस, मेरा जो दूसरा डिवाइस है मैंने उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, और अभी जो मेरा मोबाइल है मैंने उसका भी वाईफाई ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मेरा वाईफाई उससे कनेक्ट हो चुका है। मगर आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी कि आप जिस भी डिवाइस को हॉटस्पॉट ऑन कर रहे उसका आपको सिर्फ हॉटस्पॉट ही ऑन रखना है, ना कि नेट। अगर आपने उसका नेट ऑन रख दिया तो फिर आपको ऐड फिर से दिखाई देगी, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं गेम खेलने का। तो ठीक है गाइस, अभी मैं जो है आपको यहाँ पर गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा गेम शुरू हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है हमें ऐड के आइकन दिखाई दे रहे, मगर मैं जैसे ही इस पर टैप करूंगा तो ऐड प्ले नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस पर टैप कर रहा हूँ मगर कोई भी ऐड प्ले नहीं हो रही। तो गाइस ऐसे ही ट्रिक आपको जो यूज करनी है। तो गाइस इस ट्रिक से जो है मेरा गेम प्ले काफ़ी स्मूथ हो चुका है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, और अगर आप भी ये ट्रिक यूज करेंगे तो आपका गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है गाइस, फिलहाल के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।